जे पढ़ लिख के बेसन बैसा नहीं करना ते फिर पढ़ाई का की फायदा होया। जे पढ़ लिख के बाजारा चाकू नहीं चलाए अगा ना लाइया तो फिर पढ़ाई का की फायदा होया। जे पढ़ लिख के पार्टियां बना के गुरद्वे च एक दूजे दे पगां ना लाइए छित्र पौला ना किया तो फिर पढ़ाई का की फायदा होया। इतने अपने ते कृपा बाहर से हुंदा रहिंदा इस तरह सतगुरु कृपा करे। जे ते साडी पढ़ाई एहो जी है ना ते साडा जगजीत दे नालों कुछ भी घट नहीं गा। सिखा जदों मैं तेरा इतिहास पढ़दा ना मैनू दूचो दो चीजा मिलदियां एक त्याग ते दूजा वराग। वराग तेरे विच किन्ना सी आ कन्न वाण दा शंभ इत्थे मले छिछरे झाड़ियां वढ के एक खुला मैदान बनाया सी जिथे सवेरे तीन बजे आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा सी ते सत बजे भोग पिया करदा सी। उदो सिख बिखड़ा ते बिछवार पेंडा तय करके आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन आया करदे सी। हुण साडा किन्ना वराग घट गया बिल्कुल साडा गुरद्वारे दे नाल ही घर हुंदा पर असी उठ के मत्था नहीं टेकदे आ सकदे आ भी आवाज पहुंच रही आ स्पीकर लगा वा भाई थोड़ा जिहा ढिल्ला बोलदा कमेटी नूं आखेगा भी इहदी बदली कर दिओ। भाई नूं बदलू फिरदा पर आप नहीं गुरद्वारे आउंदा। गुरु कृपा करे चार गुरद्वारे ते भाई दी तनखा 1500 ते राज करेगा खालसा। गुरु कृपा करे नहीं सिंगो उच्चे तो उच्चे जीवन वाला जिन्हों गुरमुख की सूझ बूझ होवे क्योंकि जेड़े ग्रंथी सिंह होंदे आ ना ओ पंथ की रीढ़ की हड्डी होंदे आ जेड़े गुरु के प्रचारक आ इन्हां दा ख्याल रखना जिस तरह अपने बच्चों जरूरत आ ना वड्डे वड्डे स्कूलों च पढ़न दी। ग्रंथी सिंह कहिंदा भी मेरा भी बच्चा चंगी एजुकेशन ले सके मेरे थले भी गड्डी होवे। आ पिछे जे असी एक विआह ते समागम ते गए एक करनाल दी गेंदा गाला नी सिंह उस पिंड दा ना ग्रंथी सिंह मैनू बड़े भरे मन दे नाल गल दसांदे ज्ञानी जी इत्थे विआह सी ते 8 किलोमीटर तों बरात आई ओने 35,000 रुपया ते गड्डी शिंगारन ते लाता 8 किलोमीटर दा 35,000 गड्डी वाले नूं दित्ता ते 75,000 गाउण वाली नूं दित्ता उहनां दा बेड़ा तरजे। जदों असीं आनंद कारज कराए साडे वाजे ते सिर्फ 250 ही रख के गए किधर जाएगी सिखी। नहीं गुरु के सिखो ये साडा संगतां दा अवलीन फर्ज बनता है जिन्नियां लोड़ां साडियां ओनियां गुरु के ग्रंथी दियां होणियां चाहीदियां। मैं गल कर रहा सा त्याग भावना की त्याग साडे विच किन्ना सी। दिल्ली तो मरासला आ गया ते आख्या नवाबी पंथ नूं दित्ती ते सारा पंथ इकट्ठा होके कपूर सिंह दे कोल आ गया भी अज तो पंथ दे नवाब तुसी पंथ दे जथेदार तुसी। ते जदों कपूर सिंह दे कोल आए ते उन्हें आख्या जदों तुसी मैनूं जथेदार बनाता ना जेड़ी मैं घोड़ियां दी लिद ढाउण दी सेवा करदा ना ए तुसी मैनूं आखना भी ए जहेदार नूं चंगा नहीं लगदा तू ए छड़ दे सेवा। जदों तुसी मैनूं नवाब साहब थापता जेड़े मैं सिखां दे झूठे भांडे माजदा जेड़ी मैं पखा झलण दी सेवा करदा संगतां नूं आखना भी ए नवाब साहब नूं ठीक नहीं लगदा ते जेड़ी नवाबी मेरे को घोड़ियां दी सेवा खोले जेड़ी नवाबी मैनू सिखां दियां झूठियां बाटियां मानण तों ढा दे जेड़ी नवाबी मेरे को पखे दी सेवा भी खोले ओए एहो जी नवाबी एहो जी जथेदार नूं तां मैं अग ला के नहीं साड़दा। गुरु के सिखो साडा किन्ना त्याग सी हुण असीं जफा मारू बन गए जफा मारू किसे नूं किसे उद्दे तों ढा के वेख लिओ जिन्ना चिर ओह अहुदा लैके दूजे गुरद्वारा बना के ओह अहुदा प्राप्त ना कर ले ओनू ओना चिर टिकाई नहीं आउंदी। सानू गुरु नानक महाराज जी ने कोई मार्ग होर विखाया सी असी खुशाम चाह के कुछ होर दे होर बने तुर पे हां
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।